रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। आज फिर से 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन केस को मिलाकर रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या का जिक्र किया जाए तो 723 की संख्या पहुंच गई है। एक्टिव केस की संख्या 308 हो गई है। राहत की बात यह है कि 314 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी के कटोरा तालाब, बूढ़ा तालाब, वीआईपी रोड, सीएम हाउस, लोधीपारा, पंडरी, भाटागांव, तेली बांधा, नया पारा, बनपुरा के साथ राजधानी के सबसे भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। देखिए, हम हमेशा मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं, लगा भी रहे हैं। प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने पे फाइन करना बहुत दिनों से शुरू कर दिया है और हम लोग का भी एक एक जोन में, एक एक ग्रिड में जाके पहले से ही मरीजों को इकट्ठा कर ले रहे हैं। मतलब जिनको सर्दी खांसी है उन लोगों की जांच पड़ताल, सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के अनुसार उनका सैंपलिंग भी किया जा रहा है। तो इस तरह से हम बहुत अधिक अपनी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रायपुर में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से 2 सप्ताह के इस आयोजन में शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पखवाड़े को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बकेल से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या ने। हमारे साथ डॉक्टर मीरा बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, इसमें हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, स्लोगन एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है लोगों को समझने में, उनको समझाने में, इस बार का स्लोगन क्या है? इस बार का स्लोगन है, आपदा में भी परिवार नियोजन की जिम्मेदारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। तो ये स्लोगन है इस बार का। और ऐसी बात नहीं है कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम या परिवार नियोजन नहीं चलेगा, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। परिवार नियोजन के अन्य साधनों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, बार बार छोटी सी बात के लिए हॉस्पिटल ना आना पड़े, तो घर पहुंच सेवा भी उनको दी जाएगी। अगर वो अस्पताल आते हैं तो हमें इकट्ठे हम 3 महीने की दवाइयाँ, 3 महीने का संसाधन हम उनको एक साथ दे देंगे ताकि वो उसके लिए बार बार अस्पताल चल के ना आए। तो अभी आपने डॉक्टर मीरा बघेल को सुना, जिनका साफ कहना है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण बहुत जरूरत है, उसके लिए तमाम उपाय बताए गए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं रोकथाम हो सकता है। जैसे कि बता दें कि अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो ये प्रति व्यक्ति 18 लीटर पानी का एक हिसाब होता था, लेकिन वर्तमान समय में 5 लीटर का पानी कर रह गया है। अगर इसको रोका नहीं गया तो पानी के लिए भी लोग तरसेंगे, बाकी संसाधन जो है, बाकी जो वस्तु उत्पाद है वो तो समझा जा सकता है कि कितने कमी हो रहे हैं और बेरोजगारी कितने बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो समस्याएं लोगों के बीच में वो बहुत कम देखने को मिलेगी अगर अपना ये जनसंख्या विस्तार को रोका जा सकता है। तो कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं जहां शिक्षा के अधिकार के तहत